सो हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस पहले जब मैं वो सेकंड हैंड बाइक्स का वीडियो बना रहा था, सो आप लोगों में से बहुत जन ने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया दैट लाइक आप लोगों को बहुत जन को लाइक मेरे छोटे छोटे भाई है, उनको यूट्यूब करने का मन है एंड यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं यूट्यूब स्टार्ट करने का। सो जस्ट लेट मी शेयर ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद यू दैट मैं यूट्यूब में कैसे आया, क्यों आया, क्यों मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा रेगुलर अपलोड करता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब में, एंड क्या क्या है और आप लोगों को क्या क्या कंसिक्वेंस फेस करना पड़ता है, मैं सब बताऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे बचपन से लाइक आई लव ट्रैवलिंग एंड अभी थोड़ा थोड़ा लाइक ड्रिजल हो रहा है आसमान से, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ छत पे बिकॉज थोड़ा ठंडा हवा चल रहा है एंड एनर्जी भी है। सो पहला बात था, इट वॉज आई गेस 2017 में मेरे को घूमने फिरने का लाइक बचपन से है मेरे को घूमने फिरने का शौक। सो मैंने सोचा वाई नॉट डॉक्यूमेंट इट एंड स्टोर इट समवेयर। सो क्या हुआ फिर मैंने सोचा कि मतलब फोटोज तो मतलब मैं क्या करता हूँ, अब मैं तुमको पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं मतलब अनसेटिस्फाइड कहाँ पे हुआ। मैं जब किसी का फोटो खींचता हूँ सो ही और शी इज वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट फोटो, बट मेरे को कोई ना बहुत मतलब मेरे को सब लोग नहीं सेटिस्फाई कर पाते फोटो लेके, बिकॉज मेरे को सबका खींचा हुआ फोटो पसंद नहीं आता एक्चुअली। अब समझ रहे हो, मतलब आप रिलेट कर सकते हो, आपके साथ भी होता होगा ये चीज़। सो जो भी हो, आई थॉट दैट इट्स बेटर टू डॉक्यूमेंट इट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो फोटो के जगह। मतलब हाँ, फोटोज खींचूंगा इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, फिर ऐसे मेमोरीज के लिए फोटोज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो इज मोर रियलिस्टिक देन फोटो। मैंने सोचा फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है कि मतलब यूट्यूब का माइंडसेट तब भी मेरे पास नहीं आया था। सो पहले मेरा माइंड में आया या जब कहीं जाएंगे सर उसको वीडियो डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर मैं 2018 में गया अंडमान, तो वहाँ जाके भी मैंने कभी पोर्ट्रेट में शूट किया, कभी लैंडस्केप में शूट किया, ऐसे मैंने शूट किया। सो बहुत सारा वीडियोस बनाया, उसमें क्या हुआ मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया। अब उसके बाद मेरा आइडिया नहीं आ रहा बिकॉज मेरा लैपटॉप भी उस मोमेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि क्या करूँ, मतलब स्टोर करना है तो कहाँ करूँ क्या, मतलब मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी नहीं है, SSD भी नहीं है, लैपटॉप भी ख़राब है, फ़ोन का भी स्टोरेज स्पेस है। तब मतलब एक आइडिया मेरे पास नेचुरली आया कि सब लोग यूट्यूब में अपलोड करते हैं, सो ऑब्वियसली तब जियो आ चुका था एंड अब से मैं भी अपलोड कर सकता हूँ अगर मैं 2GB का पैक डलवा लूँ तो। सो मैंने वो सोचा और मैंने ये भी बात सोचा कि देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ किस लिए, ताकि मैं अपना फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को दिखा पाऊँ कि मैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ किया, कैसे कैसे घुमा, कहाँ कहाँ घुमा। सो मैं अलग अलग करके एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा एडिटिंग में फोकस देता हूँ, लाइक थोड़ा सा एडिटिंग सीखता हूँ एंड स्लोली एडिट करके वीडियोज़ को मर्ज करके मैं ताकि उसको मेरा जिसको वीडियो दिखाना है मैं उसके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। पहले मैंने सोचा यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगा वो अनलिस्टेड रहेगा, वो सिर्फ मैं देख पाऊंगा, मतलब मेरा एब्सेंस में वो कोई नहीं देख पाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई मोमेंट पे मेरा फ़ोन मेरे साथ ना हो, मेरा लैपटॉप मेरे साथ ना हो, या फिर मेरे मम्मी डैडी का अकाउंट मेरे साथ ना हो, सो उस टाइम भी अगर हो सके कि मुझे वीडियोस दिखाना पड़े, मैं कैसे दिखाऊंगा अगर वीडियो अनलिस्टेड रहा तो। उस टाइम मैंने सोचा कि मैं अपना एडिटिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा एंड आपसे ट्राई करूँगा लाइक मैं जहाँ भी जाऊँ उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब में डालने का। सो फर्स्ट मैं गया धनबाद में, एक रामराज मंदिर बोल के है, आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज माई फर्स्ट प्रॉपर व्लॉग। मैंने शूट किया, मैंने एडिट किया, मैंने डाला, मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला, 2 वीडियोस में मेरा 100 सब्सक्राइबर फुलफिल हो गया एंड धीरे धीरे मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा कि यूट्यूब मतलब थोड़ा तब एक्चुअली कूल लगने लगा था। सो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर मैंने धीरे धीरे लाइक बहुत सारा कंटेंट में हाथ मारा, फिर मेरे को लगा कि नहीं, व्हेन आई एम डूइंग यूट्यूब आई एम डूइंग इट फॉर माय पैशन, इट्स नॉट द सोर्स ऑफ माय अर्निंग। मतलब अभी भी अगर आप लोग टेक्निकल लाइन से आप लोग पता कर पाओगे कि मैं यूट्यूब से अभी भी कुछ नहीं कमाता। हाँ, पहले मिला है 4-5 स्पॉन्सरशिप्स मिला है, ऐसा बात नहीं है। सो डायरेक्ट लाइक यूट्यूब नहीं, वो ऐसे ब्रांड से मिला है डायरेक्ट, मतलब नॉट फॉर डायरेक्ट प्रमोशन, वो ब्रांड से मिला, वो उस बात पर कभी डिफरेंट पार्ट में आएंगे। सो मैंने अपना यूट्यूब जोड़ना पहले अभी चूज कर लिया, पहले मैंने अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाया था। सो मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक मैं उस पॉइंट में ना जाऊँ कि सब्सक्राइबर्स मुझे लाइक सब्सक्राइबर्स चाहे, मतलब लोग जो देखना चाहे, तब तक मैं नहीं दिखाऊंगा जब तक आप लोग ना मांगो। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये डेली व्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं करूँगा, जब मैं कोई ट्रिप में जाऊँगा या फिर कुछ अच्छा कुछ करूँगा जो कि दिखाने लायक है, जो कि पब्लिक के सामने मैं प्रेजेंट करना पसंद करूँगा, सो मैं वही चीज़ डालूंगा, मेरे को पहले आया। देन इट केम टू माई माइंड दैट यस, आई एम अ मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट, मेरे को बाइक्स कार्स वगैरह बहुत अच्छा लगता है,
सो इसका भी थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा रिव्यू करूंगा, लाइक नॉट दैट प्रोफेशनल लेवल, बट अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा आप लोगों के सामने एंड आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा. दिस इज द थिंग. एंड सबसे बड़ा बात, ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी अभी एक ही सिंगल टेक में रिकॉर्ड हो रहा है. सो दैट्स दी बेस्ट थिंग. सो जो भी हो, अब मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा ऑटोमोबाइल रिव्यूज करेंगे एंड जब राइड्स पे जाऊंगा राइड में पोस्ट करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक क्या क्या फोटो खींचा एंड ऑल. ठीक है, आप लोगों से बातचीत करूंगा ये सब. सो धीरे धीरे मैंने ये अपना यूट्यूब जॉइनर चूज कर दिया, इट विल बी मोटरसाइकिल एंड ट्रैवलिंग. कभी कभार अगर, और हाँ एक बात बता रहा हूँ, मैं बंगाली हूँ एंड जो जो बंगाली आप सब लोग जानते हैं कि बंगालीज फूड्स बहुत ज़्यादा फूडी होता है, फूड का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है. ये MRF का स्पेयर टायर देख रहे हो, ये ऐसे नहीं बना है. लाइक यस, आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर अ फ्यू डेज, एक्चुअली फ्यू मंथ्स नहीं बोलूंगा, फ्यू डेज. आई एम ट्राइंग टू लूज वेट एंड लाइक गेट बैक इन शेप. बट जो भी हो, बंगालीज आर फूडी एंड हम लोगों को खाना बहुत पसंद है. सो जो खाना मुझे, मैं एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा खाता था, मतलब अभी भी खाता हूँ नो डाउट, बट मेरे को अगर कोई रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा खाना लगा एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रमोट इट, मैं सिर्फ तभी प्रमोशन करता हूँ, मैं ऐसे जाके प्रमोशन नहीं करता. ऐसे कैमरा में पानी गिर गया, मैं एक बार साफ कर लेता हूँ, वीडियो को कट करके कोई फायदा नहीं. चलो ओके, एक्सक्यूज मी. अच्छा, सो अब मैं एक बात कहता हूँ कि यूट्यूब करते टाइम मैंने क्या क्या गलती किया एंड आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, करना ही पड़ेगा. चलो, कुछ उपाय नहीं है. लाइक इट स्टार्टेड रेनिंग, अब मेरे को अंदर जाना पड़ेगा. सो मैं अब सीढ़ी में वीडियो बनाऊंगा. ओके, वीडियो पॉज करके मेरे अंदर आ गया. आई होप लाइटिंग वगैरह सब कुछ सही आ गया होगा. प्लीज एक्सक्यूज मी विद द बैकग्राउंड. अच्छा, सो जो मैं बोल रहा था कि आप लोगों को यूट्यूब, लाइक जो जो मुझे पूछते हैं कि क्या मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा डिवाइड करके मैं इसको आंसर दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई काम में एक्सपर्ट हो या अगर आपको कोई काम करना बहुत ज्यादा पसंद है तभी यूट्यूब पे आओ. ऐसे यूट्यूब पे मतलब, देखो यूट्यूब में आके परेशान हो जाओगे, मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ. मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लाइक आप लोग सुनो उसके बाद मुझे जज करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब में तब आओ जब आपका आपका लाइफ का कुछ सीन आपको डॉक्यूमेंट करना हो, ठीक है, तब आप यूट्यूब में आ सकते हो. हाँ, सो जो मैं बोल रहा था कि अगर आप अपना लाइफ का कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहो तब आप यूट्यूब में आ सकते हो. लाइक अगर आप उसको मतलब पब्लिकली शो करना चाहते हो तब आप यूट्यूब में आ सकते हो. अगर आप कोई काम में एक्सपर्ट हो जाके, जैसे कि आर्ट्स हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, या फिर आप ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, हाँ सो आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, ठीक है, सो ऐसे जब आप करते रहते हो कुछ ना कुछ जो कि आप खुद से पसंद करो डॉक्यूमेंट. देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, दूसरों को देख के यूट्यूब में मत आओ. यूट्यूब में सब लोग सक्सेसफुल नहीं होता, मैं खुद भी सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट मैं यूट्यूब बस एक ही रीजन से आज तक कर रहा हूँ एंड करूंगा कि मेरा मेमोरीज उसमें स्टोर रहता है, मैं अपना भाई लोग से कनेक्ट कर पाता हूँ. एंड सबसे बड़ा बात, अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूबर्स कमा रहे हैं, तो एक बात है, हाँ यूट्यूबर्स कमा रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने लक पे, अपने मेहनत पे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर वक्त. देखो दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी फॉर इंडियन यूट्यूब. इंडिया में इतने सारे क्रिएटर्स हैं कि आप मतलब हो सके कि आप बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हो लेकिन आपका सब्सक्राइबर्स नहीं है. देखो मीन्स आई शुड बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. जो जो अच्छा कंटेंट यूट्यूब में पोस्ट करते हैं, ऑब्वियसली बहुत जन अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं, बस मैं कुछ जेन्युइन पीपल का नाम लेना चाहता हूँ. जेन्युइनिटी इन द सेंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोमेंद्र जैना, ही इज अ क्रेजी रिच यूट्यूबर फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा. सो वो बेसिकली BMW Z4 एंड S1000 RR पर रहते थे. आई एम अ वेरी लाइक आई वॉज वन ऑफ हिज वेरी ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर्स. मतलब उनका चैनल का आई थिंक मैं 600 नंबर या 650 ऐसे, मतलब उनका चैनल 600 समथिंग सब्सक्राइबर्स में था जब से मैं उनको फॉलो करता हूँ. And now his channel is like stagnant, means growing very very slowly, and it's in somewhere around 2 lakh subscribers. Vikas Rachamala, I have been following him since 2015. Wo itna zyada like education related videos banate hain, include like regarding bikes and cars. लेकिन लाइक उनका वीडियो ज्यादा कोई देखता नहीं या फिर ये नहीं. देखो यूट्यूब में जरूरी नहीं है कि जो आप चाहो वो आप लाइक पा सको, बट आप ट्राई कर सकते हो. आप एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको देख रहे हो कि आपको सक्सेस मिल रहा है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो. अगर आपको मजा आ रहा है तब आप कंटिन्यू कर सकते हो. अगर आप पीयर प्रेशर से आ रहे हो कि ये कर रहे हैं मुझे भी करना होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारा भाड़ा भाई होने के नाते मत करो. हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, तुम्हारा दूसरा कोई कंटेंट बना रहा है, पसंद आ रहा है देखो, लाइक करो, सपोर्ट करो, ठीक है, खुद इंजॉय करो, ये लाइन में मत आओ. एक यूट्यूबर ही मतलब तुम लोगों को एक वीडियो देखने में, जैसे 10 मिनट की वीडियो है, तुम लोग देखते हो सिर्फ, समझ लो फास्ट फॉरवर्ड करके तुम लोग 8 मिनट उसको देखते हो, ठीक है, बट उस वीडियो को एडिटिंग करने का पीछे, उसको शूट करने का पीछे हम लोगों को घंटों का मेहनत लगता है, कभी कभार दिन का, लिटरली दिन का, मैं सच बात बता रहा हूँ.
दिस इज नॉट इजी एंड हैट्स ऑफ टू देम जो डेली व्लॉग्स बनाते हैं ऑन द गो एडिटिंग वगैरह जो भी हो एंड रियली इट्स अ यूट्यूब इज अ टफ जॉब. यूट्यूब इज नॉट दैट इजी. अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप में कुछ है, अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो, अगर आप पब्लिक को कुछ पहुंचाना चाहते हो तभी आप यूट्यूब पे आओ. अगर आप ये मकसद से यूट्यूब में आओगे कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप एक बार ट्राई कर सकते हो. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा बात सुन के मत आओ, एक बार ट्राई कर सकते हो. अगर आपको सक्सेस मिल गया तो ठीक है, बट अगर नहीं मिला, लाइक यू आर सीइंग दैट तुम्हारा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हारा चैनल ग्राफ नहीं जा रहा, प्लीज लीव इट. बिकॉज मैं समझता हूँ, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज मेरा 2600 सब्सक्राइबर्स है. मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे लाइक ये सब्सक्राइबर्स भी होगा, लेकिन अभी मेरा एकदम जेन्युइन दिल से टारगेट बोल रहा हूँ. वट आई थिंक दैट आई विल बी लाइक वेरी सून समडे आई विल बी. ओ बहुत ज्यादा बारिश स्टार्ट हो गया, देखो. ओके, सो एक्चुअली वट आई एक्सपेक्ट एंड फ्रॉम माई सेल्फ इज दैट आई नो दैट मे बी अगर आप लोग सपोर्ट बना रखो, मैं वीडियोज अपलोड करता रहूँ, सम डे विल बी देयर वेर आई विल बी फॉलोड बाई ऑलमोस्ट 10,000 to 15,000 पीपल. मेरा उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, लाइक आई होप, मतलब मेरे को जो लगता है, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट मेरा 2600 सब्सक्राइबर होगा. सच बता रहा हूँ, लाइक 1,000 भी क्रॉस करूंगा ये भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. अगर आपको इंटरेस्ट है, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगा. थैंक यू. एंड ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जो करता है वो कूल है, ये है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है. एंड सिर्फ तुम ही लोग, एंड ये मेहनत काम कब आता है मालूम है, जब तुम लोग सपोर्ट करते हो ना. मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं कमाता फिलहाल अभी, मतलब डायरेक्ट यूट्यूब से या फिर कोई एड्स वगैरह से मेरा कोई भी इनकम नहीं है. एंड ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा जब मैं इनकम आएगा मेरा यूट्यूब से, आप सबके साथ भी शेयर करूंगा. बट एक बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तब आता है जब आप लोग आके बोलते हो कि आप लोग मेरा वीडियोज़ को पसंद करते हो, आप लोग मेरा काम को अप्रिशिएट करते हो. सो उसी टाइम मुझे वो जो जितना मेहनत करते हैं उसका जितना लाइक अप्रिसिएशन या फिर जो रिवॉर्ड वो मुझे मिल जाता है. सो ये याद रखना कि तुम्हारा भाई जब तुमको मिलो ऐसे इग्नोर मत करना, मतलब इग्नोर इन द सेंस, तुम लोग बहुत जन बोलते हो कि मैंने आपको रास्ते में देखा, बात नहीं किया, तो ऐसा मत किया करो. मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों से कनेक्ट करना, कभी भी कहीं भी मुझे देखो भाई आके मिल लेना, बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, दिल से बता रहा हूँ. सो चलो वीडियो थोड़ा लंबा खींच दिए. ओके, दिस इज 12 मिनट का वीडियो हो गया. वीडियो को यही एंड करते हैं. पसंद आया वीडियो जरूर से जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, भाई को सपोर्ट करो. एंड जो कि मैंने बोला, एक बार देख लो कि आना है कि नहीं. तुम लोगों के ऊपर मैं तुमको बता दिया कि क्या करने से क्या होगा, मतलब एक छोटा डिसीजन लेने में तुम लोगों को हेल्प कर दिया मैंने. ठीक है, अब तुम लोग अगर सोचते हो कि हाँ मैं ठीक है एक बार ट्राई करूंगा, कर सकते हो भाई. अगर देखना है कि नहीं मेरा चिल लाइफस्टाइल है, कंटेंट एंजॉय करूंगा, अपना काम करूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन. एंड अगर ये है कि नहीं मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मैं कुछ काम में एक्सपर्ट हूँ, वो काम मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, यू आर वेलकम. सो मेरा गला सूख गया, वीडियो को यही एंड करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चलो टाटा.